हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं थायराइड के बारे में। थायराइड 3 टाइप की होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाइपोथायराइड के बारे में, जिसमें फैट पड़ती है और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। किसी पर्सन को कोई फेस करनी पड़ती है, किसी पर्सन को कोई फेस करनी पड़ती है। तो आज हम जानते हैं कि 7 दिन काफ़ी हैं ये हाइपोथायराइड को ख़त्म करने के लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप आयुर्वेदिक तरीके से, घरेलू तरीके से और योगा द्वारा, यानी कि कंप्लीट तरीके से आप इस हाइपोथायराइड को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन हाँ, अगर आप मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो वो लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। लेकिन जो ट्रीटमेंट मैं आज आपको बता रही हूँ, वो आपको अपनी मेडिसिन भी साथ में चालू रखनी है, स्टार्ट रखनी है। इसके साथ साथ आपने इस ट्रीटमेंट को 7 दिन के लिए फॉलो करना है। उस दिन, उसके बाद आप चेक करवा लीजिए और ये हाइपोथायराइड कंट्रोल हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट बहुत आसान है, देखते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग अखरोट और बादाम खाते हैं, उनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कारण है इसका बॉडी में ओमेगा 3 की कमी के कारण। और अखरोट में बहुत सारा ओमेगा 3 होता है, और जो आलमंड के साथ मिक्स होकर आप इसको कॉम्बो में लेते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है थायराइड वालों के लिए। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उन्हें थायराइड कभी नहीं हो, उनको अपनी डाइट में ओमेगा 3 ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे अलसी हो गया, वॉलनट यानी अखरोट हो गया, बादाम हो गए, इनको ज़रूर खाएं। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो इस बीमारी से बचना चाहते हैं और जिनको ये बीमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके घरेलू इलाज की। सब फर्स्ट घरेलू इलाज जो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत लोगों ने इससे बेनिफिट लिए हैं, ये कोई आम इलाज नहीं है, ये बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है, यानी असरदार इलाज है। आपने एक चम्मच धनिया पाउडर ले लेना है और उसे एक गिलास पानी में रात को भिगो कर रख देना है। सुबह उस पानी को बॉयल करके आधा रहने पर पी लेना है। आपने एक चम्मच धनिया पाउडर लेना है और एक गिलास पानी, यानी 250 ग्राम पानी और एक चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं सेकंड जो घरेलू इलाज की बात कर रही हूँ, उसमें आपको 3 चीज़ों को कंबाइंड करना है। मेथी पाउडर, अजवाइन पाउडर और दालचीनी पाउडर, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर आपने पाउडर बना लेना है। मिक्स करके आधा चम्मच गुनगुने पानी में डालकर सुबह के टाइम लेना है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, थायराइड का कोई भी ट्रीटमेंट किसी और टाइम ना करके सिर्फ़ और सिर्फ मॉर्निंग में कीजिए, ताकि उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकें। ये दोनों के दोनों घरेलू इलाज बहुत सस्ते भी हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। जो लोग बहुत पैसा नहीं खर्चना चाहते, वो इसे ज़रूर फॉलो करें और इसके सारे बेनिफिट ले लें, ताकि उनको ये जो बीमारी है लाइफ टाइम के लिए झेलनी न पड़े। अब बात करते हैं इसके सेकंड थर्ड ट्रीटमेंट की। थर्ड ट्रीटमेंट, और ये है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इसमें यूज़ किया जा रहा है अश्वगंधा। अश्वगंधा फैट भी बढ़ाता है, हाइट भी बढ़ाता है और स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, यानी मसल को भी बढ़ाता है, तो इसे अश्वगंधा कहते हैं। आपने आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर पानी में मिक्स करके, गुनगुने पानी में मिक्स करके सुबह मॉर्निंग में लेना है। इसके बेनिफिट ये हैं कि ये हाइपोथायराइड को जड़ से ख़त्म करने की काबिलियत रखता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत बढ़िया तरीका है, आयुर्वेदिक तरीका है। अब चौथे तरीके की बात करें तो वो है हरड पाउडर। आप चाहें तो आप अश्वगंधा पाउडर का यूज़ करें, आप चाहें तो आप हरड पाउडर का यूज़ करें, इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आपने गुनगुने पानी के साथ सुबह मॉर्निंग में ही लेना है, आधा चम्मच ही लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपने जो घरेलू इलाज थे वो दोनों के दोनों ही करने हैं, और अश्वगंधा और हरड़ पाउडर में से कोई एक लें। उसके बाद जो सेकंड है, यानी लास्ट है, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को आप डिटेल में
YouTube पर वीडियोस देख सकते हैं इसे करना कैसे है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपने अपना सारा सांस मुंह के थ्रू बाहर निकाल देना है, उसके बाद मुंह बंद करके गले के थ्रू आपने सांस लेना है तो एक आवाज़ आएगी, उसको रोक कर रखना है। आवाज़ होने के बाद आपने सांस भर लिया और रुकें, 30 सेकेंड रुकें, 40 सेकेंड रुकें, उसके बाद राइट नोज़ को बंद करके लेफ़्ट से सांस निकाल दें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल होंगी। ये आपको मैंने 5 इलाज बताए हैं, 5ों में से आपको इसमें से आपको 4 करने हैं। हाँ, सिर्फ आप आयुर्वेदिक वाले में से एक छोड़ना है। आप हरड़ पाउडर का यूज़ करना चाहते हैं तो, आप अश्वगंधा का यूज़ करना चाहते हैं तो, लेकिन घरेलू इलाज दोनों करने हैं और उज्जयी प्राणायाम तो ज़रूर करना है। अगर आप इस कॉम्बो को 7 दिन फॉलो करते हैं तो आप उसके बाद अपना हाइपोथायराइड ज़रूर चेक करवा लें, वो नॉर्मल आएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही असरदार तरीका, आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।